साल 2019 कई मायनों में खास होगा। विकास के मामले में यह कई पायदान ऊपर चढ़ेगा तो नई योजनाएं भी शहर की सूरत बदलने के लिए लॉन्च की जाएंगी। चुनावी वर्ष है और गोरखपुर मुख्यमंत्री का शहर है, ऐसे में इसके प्रगति की रफ्तार तेज होने वाली है, जिससे इसके पीछे होने का इतिहास भी काफी पीछे छूट जाएगा। बदलाव तो जब से गोरखपुर में योगी जी हुए हैं तब से बदलाव नजर आ रहा है और वो तीव्रता से बढ़ता जा रहा है। 2019 तक हमको लग रहा है कि गोरखपुर में एम्स और चिड़ियाघर जैसी अच्छी चीज़ें यहाँ खुल जाएंगी, जिससे एम्स से आम आदमी को सुविधा हो जाएगी, जिससे लोग बाहर जाते थे। और जैसे कि हमारे जो बिजली का वो था, वो लाइटें नीचे से होने लगी और बहुत सारी रोडें चौड़ी होने लगी, तो हमें वो 2019 में अच्छे से दिखेगा। तो गोरखपुर में अभी 1,87,000 कार्ड उपचार के लिए गरीबों को बांट दिए गए हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर ली गई हैं। विद्युत की व्यवस्था भी ठीक है, गांव में 18 घंटे बिजली मिल रही है, शहर को 24 घंटे बिजली मिल रही है और गड्ढा मुक्ति का काम भी पूरा करा दिया गया है। साल 2018 में गोरखपुर में विकास की जो नींव पड़ी वह 2019 में इस कदर पूरी होगी कि गोरखपुर अपने पिछड़ेपन के दंश को और जो उसके साथ ये शब्द जुड़ा होता था उसको छोड़कर के काफ़ी आगे निकल चुका होगा। बड़ी बड़ी परियोजनाएं पूर्ण होंगी और यही वजह है कि गोरखपुर देश के कई बड़े शहरों में एक अच्छे शहर के रूप में अपना मुकाम हासिल करेगा। मुकेश पांडे, ETV भारत, गोरखपुर।